तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास में स्ट्रेस क्या होता है ये देखा था और उसके 9 कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे थे कि किसी पॉइंट पर किसी सरफेस पर स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उसको हमने इस तरीके से PIJ ऐसे डिनोट किया था जिसमें आई जो है सरफेस की डायरेक्शन को डिनोट करता है और जे फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है। अगर ये सरफेस पर स्ट्रेस देखना है तो सरफेस की डायरेक्शन यानी सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन अगर आई की डायरेक्शन में है और फोर्स की डायरेक्शन सपोज जे की डायरेक्शन में है तो इस सरफेस पर इस फोर्स से जो स्ट्रेस मिलेगा वो होगा PIJ। तो आई डिनोट करता है सरफेस की डायरेक्शन को और जे डिनोट करता है फोर्स की डायरेक्शन को। अब हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पर स्ट्रेस अगर उस पॉइंट पर स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट मालूम हो तो उनके टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो स्ट्रेस एट ए पॉइंट, इसे हम लिखेंगे। तो हम प्रूफ ये करने जा रहे हैं कि द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज कंप्लीटली नोन इफ If 9 components of stress at that point are known, इस रिजल्ट को हम देखेंगे। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज कंप्लीटली नोन इफ 9 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट आर नोन। तो किसी सरफेस के किसी पॉइंट पर स्ट्रेस पूरी तरीके से पता चल जाएगा अगर उसके 9 कंपोनेंट इस पॉइंट पर मालूम हो। यू भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो भी फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो स्ट्रेस पूरी तरीके से जो 9 कंपोनेंट स्ट्रेस के यहाँ पे होंगे। 9 कंपोनेंट का मतलब ये है कि जब सरफेस की डायरेक्शन एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग लीजिए और जो फोर्स इस सरफेस पर एक्ट कर रहा है उसके एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लीजिए। तो सरफेस की ये 3 डायरेक्शन और फोर्स की ये 3 डायरेक्शन से जो स्ट्रेस मिलेंगे उसके 9 कंपोनेंट होते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं PXY, PX, PY, PX, PYX, PYY, PYZ, PZX, PZY, PZZ, ये 9 कंपोनेंट होंगे। तो किसी पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा, मान लीजिए यहां पर स्ट्रेस है हमारा इस पे PIJ सपोज, दिस स्ट्रेस कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ दीज
9 कंपोनेंट्स इनके टर्म्स में लिखा जा सकता है, यही हम यहां पर देखेंगे। ये वैसे ही है जैसे किसी पार्टिकल के ऊपर अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा जो फोर्स के कंपोनेंट हैं वो मालूम हो तो फोर्स क्या है वो मालूम हो जाएगा, ये उसी तरह की बात है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, इसके लिए देखिए सपोज वी है a small fluid element in the shape of tetrahedron. Suppose we have a small fluid element in shape of tetrahedron. और यहां हमने ऐसे लिया है, इस शेप में हमने फ्लूड एलिमेंट लिया है। ये जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये ओ ले लिया ओरिजिन है और ये फ्लूड एलिमेंट है ए बी सी ओ और इसका जो सरफेस है ए बी सी इसके ऊपर किसी पॉइंट और मान लीजिए नॉर्मल है एन डायरेक्शन में और इस सरफेस पर जिसकी डायरेक्शन एन के अलोंग है उस पर जो स्ट्रेस है उसको हम देखेंगे कि 9 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो वी हैव वी कंसिडर मोशन ऑफ ए स्मॉल टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी, ओ ए बी सी थ्री ऑफ इट्स फेसेस लाई अलोंग द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये जो फ्लूइड एलिमेंट है जिसके चार फेस हैं, इसमें एक फेस है ए बी सी और एक फेस है ए ओ सी, ये जो फेस है ये प्लेन X, Z प्लेन के पैरल है या यहां पर अगर ये ओरिजिन हमने लिया है तो X, Z प्लेन ही है। इसी तरीके से ये जो फेस है O, A, B ये X, Y प्लेन के अलोंग है और C, O, B ये देख रहे हैं आपके Z, Y प्लेन के अलोंग है। तो जो टेट्राहेड्रन के चार फेसेस हैं उसमें से तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अलोंग हैं और चौथा जो है ए बी सी है और ये फ्लूइड एलिमेंट फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है। तो ऐसा केस कंसीडर किया है ए बी सी का एरिया मान लीजिए है डेल्टा एस, एरिया ऑफ ए बी सी इज डेल्टा एस। Let L M N be the direction cosines of normal to A B C drawn outward. ये जो normal है उसके direction cosine है L M N, यानी जो इसकी direction है उसके direction cosine है L M N। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो direction है ये x axis और n के डायरेक्शन के बीच जो एंगल बन रहा है उसका जो कोसाइन है वो l है। इसी तरीके से y एक्सिस और इस डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका जो कोसाइन है वो m है एंड सिमिलरली फॉर z एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन l m n का मतलब ये है, ये आप जानते भी होंगे। तो ये जो डायरेक्शन है इस सरफेस की a b c की उसके ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन को साइन है एल एम एन। जो नॉर्मल है वो हमेशा की तरह आउटवर्ड लेंगे, ये हमारा कन्वेंशन है। जब कोई फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो जो फ्लूइड वॉल्यूम के बाहर की तरफ डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल की ली जाती है
वही यहां पे लिया है। अब मान लीजिए कि ये जो चार फेसेस हैं इन पर जो स्ट्रेस है वो है लेफ्ट, स्ट्रेस ऑन फेसेस ए बी सी सी ओ बी सी ओ ए एंड ओ ए बी आर मान लीजिए स्ट्रेस हैं। पी एन पी एक्स पी वाई पी जेड यानी वो प्लेन जिस पर नॉर्मल एन के अलोंग है उस पर स्ट्रेस हमने माना पी एन, वो प्लेन जिस पर नॉर्मल है एक्स एक्सिस के अलोंग उस पर स्ट्रेस है ये, और इसी तरीके से तो जो चार फेस है उन पर स्ट्रेस ये है, जहां पे ये डिनोट करते हैं जो इंडेक्स है वो डिनोट करते हैं उस प्लेन पर नॉर्मल की डायरेक्शन, तो इन पर माना हमने स्ट्रेस ये है। नाउ सपोज एफ बी द बॉडी फोर्स, एफ बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, लेट एफ बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, लेट एफ बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ऑन दी फ्लूइड एलिमेंट। इस फ्लूइड पर अटकल पर जो फोर्स लग रहा है बॉडी फोर्स जो बाहरी फोर्स है वो पर यूनिट मास एफ है, और फ्लूइड मूव कर रहा है तो मान लिया एक्स का एक्सेलरेशन ए है, ए बी द एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ओ ए बी सी, इसका जो है एक्सीलरेशन भी है। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या होगा, टोटल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए डेल्टा एस इंटू पी एन एल डेल्टा एस पी एक्स एम डेल्टा एस पी वाई एन डेल्टा एस पी जेड प्लस 1/3 रो डेल्टा एस पी एफ इज इक्वल टू 1/3 रो डेल्टा एस पी
एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन ये है। तो इस इक्वेशन को समझिए, ये जो फ्लूइड पार्टिकल है इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, लगने वाले फोर्स दो तरीके के हैं, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स बताया गया पर यूनिट मास है एफ, टोटल मास इस फ्लूइड एलिमेंट पर कितना होगा, ये टेट्राहेड्रन के शेप में है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ये, अगर इसका हमने जो फेस ए बी सी है इसका एरिया लिया है, एरिया ऑफ फेस ए बी सी इसको डेल्टा एस लिया है, तो इसको बेस समझिए ए बी सी को, ये जो टेट्राहेड्रन है इसका जो ये जो बेस है ए बी सी समझ लीजिए, तो इसका जो बेस का एरिया है वो डेल्टा एस है, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 डेल्टा एस इंटू हाइट पी, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फेस ए बी सी फ्रॉम पॉइंट ओ, पी इज इस तरीके से समझिए इसको, ऐसे ए बी सी ये बेस है और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसकी लेंथ पी है, तो एरिया ऑफ बेस 1/3 हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, ये इसका टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम हो गया 1/3 डेल्टा एस पी। मास कितना होगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आ जाएगा, रो इज द डेंसिटी, तो टोटल मास इस पार्टिकल का हो गया ये, मास पर यूनिट तो सॉरी फोर्स पर यूनिट मास है एफ, तो टोटल फोर्स हो गया ये, तो बॉडी फोर्स जो इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर वो ये हो गया। अब आइए सरफेस फोर्स पे, सरफेस फोर्स जो है जैसा कि बताया कि हर फेस पे हमें स्ट्रेस बताया गया है पी एक्स पी वाई पी जेड पी एन, ये हर फेस पर जो स्ट्रेस काम कर रहा है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हर सरफेस पे जो सरफेस फोर्स लग रहा है वो स्ट्रेस से कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेस फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, तो ए बी सी फेस पर जो सरफेस फोर्स है वो होगा स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, दिस इज द सरफेस फोर्स ऑन दिस फेस ए बी सी। दूसरे जो फेस है जिन पर नॉर्मल एक्स वाई जेड के अलोंग है, तो ये देखिए ये वो फेस है, ये वो स्ट्रेस है पी एक्स, पी एक्स इज द स्ट्रेस ऑन द फेस सी ओ बी सी ओ बी सी ओ बी, वो फेस है जिस पर एक्स एक्सिस नॉर्मल है, जिस पर एक्स एक्सिस नॉर्मल है, तो इस पर फोर्स पर यूनिट एरिया है पी एक्स। अब इसका एरिया मालूम हो जाए ओ बी सी का तो इस पर सरफेस फोर्स पता चल जाएगा, स्ट्रेस हमें मालूम है, तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा सी ओ बी का, इसका एरिया होगा एल डेल्टा एस, एल डेल्टा एस कैसे,
ये जो सरफेस है ए बी सी, ये जो फेस है ए बी सी, इसका प्रोजेक्शन लीजिए जेड वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लेंगे तो वो मिलेगा सी ओ बी। ए बी सी का जेड वाई प्लेन पर जब प्रोजेक्शन लेंगे तो वो एरिया मिलेगा सी ओ बी। तो सी ओ बी का एरिया क्या होगा? ए बी सी का प्रोजेक्शन जेड वाई प्लेन पर। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? एरिया का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? ए बी सी का एरिया है डेल्टा एस, ठीक है, और इसका कंपोनेंट यानी प्रोजेक्शन ले लेते हैं जेड वाई प्लेन पे। तो कैसे लेते हैं? दिस एरिया इस पर नॉर्मल और सी ओ बी प्लेन पर नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल बन रहा है देख लीजिए इसको, यहां पे ये एक लाइन है, इसका अगर इस डायरेक्शन के अलावा प्रोजेक्शन लेना है, इस लाइन का इस डायरेक्शन के अलावा प्रोजेक्शन लेना है, मान ली लाइन है ओ ए, तो ओ ए का इस डायरेक्शन पे अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो ओ ए डैश कितना होगा? ओ ए डैश होगा ओ ए और इसके इसके बीच में जो एंगल मिल बन रहा है उसका कोसाइन, ऐसे लेते हैं। या यूं कहें कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हम ले लें, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन। तो ये एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन है। तो हमने ए बी सी प्लेन का प्रोजेक्शन लिया है जेड वाई प्लेन पर, तो प्रोजेक्शन वो क्या होगा? ए बी सी का एरिया इंटू एल, एल यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस प्लेन। ए बी सी पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन कोसाइन यानी कि इस प्लेन जेड वाई प्लेन पर जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस यानी आई के डायरेक्शन में, इस तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका इसके इस नॉर्मल और इस प्लेन पर नॉर्मल आई के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा? टेन डॉट आई। एन डॉट आई क्या है एक्चुअली? कॉस अल्फा, ये यूनिट वेक्टर है यानी कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कुछ और नहीं है, कॉस अल्फा क्या है? एन और आई के बीच जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन। तो एल, एन और आई के बीच जो एंगल बन रहा है, तो हम यही बात कह रहे थे कि एल क्या है? ये जो नॉर्मल है ए बी सी प्लेन पर उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन एल है। इसी तरीके से वाई एक्सिस से जो ये एंगल बनाता है उसका कोसाइन एम है और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन एल है। तो ए बी सी पर जो नॉर्मल है और सी ओ बी पर जो नॉर्मल है उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसका जो कोसाइन है वो ही एल है। तो जो ये प्रोजेक्शन का एरिया है वो डेल्टा एस इंटू एल ये होगा। अब बात आई माइनस साइन की, माइनस साइन यहां पे क्यों लगाया गया है?
इसलिए लगाया गया है बिकॉज इसलिए लगाए गए हैं कि यहां पर जो नॉर्मल है वो आउटवर्ड नॉर्मल है, यानी स्पेस पर फ्लूड जो एलिमेंट लिया गया है फ्लूड पार्टिकल उस पर बाहर की तरफ है, जबकि ये वाला जो इस प्लेन पर सी ओ बी पर जो बाहर की तरफ नॉर्मल होगा फ्लूड एलिमेंट से बाहर की तरफ जो नॉर्मल होगा वो देखिए माइनस आई की डायरेक्शन में, माइनस आई की डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तो एक्चुअली एन डॉट माइनस आई हो गया, तो एन डॉट आई तो हो गया एल और माइनस बचा रह जाएगा वो माइनस है। इसी तरीके से बाकी जगह भी जो प्लेन मान लीजिए हमने लिया ए ओ बी, इस पर जो नॉर्मल है वो बाहर की तरफ जो नॉर्मल है वो माइनस के की डायरेक्शन में, ये जेड है माइनस जेड की डायरेक्शन में, तो इस वजह से यहां पे भी माइनस साइन आएगा जब हम ऐसा करेंगे। तो जो इस प्लेन पर फोर्स लग रहा है सरफेस फोर्स वो हो गया दिस। इसी तरीके से इस प्लेन पर जिस पर नॉर्मल वाई एक्सिस के अलावा है ए ओ सी, इस पर जो स्ट्रेस है वो ये बताया गया है पी वाई, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ए ओ सी के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर फोर्स, इस प्लेन पर फोर्स मालूम हो जाएगा इसका एरिया कितना है। फिर ए बी सी का प्रोजेक्शन लेंगे जेड एक्स जेड प्लेन पे तो वो प्रोजेक्शन आएगा माइनस एम डेल्टा एक्स, तो ये हो गया इस सरफेस पर फोर्स। इसी तरीके से ओ ए बी यानी जिसपे नॉर्मल माइनस जेड की डायरेक्शन में है बाहर का आउटवर्ड लोड, उस पर जो फोर्स होगा वो ये होगा। तो ये हो गए सरफेस फोर्स चारों सरफेस पे, ये हो गया टोटल बॉडी फोर्स बॉडी पे, ये सारे फोर्स हो गए इनको सम कर लिए, ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है और ये मास है, कैसे 1/3 डेल्टा एस पी, ये वॉल्यूम है और रो यानी कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मास मिल जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे हो गई। इसमें आप देख सकते हैं डेल्टा एस थ्रू आउट बाहर मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी पी एम एल पी एक्स एम पी वाई एन पी जेड प्लस प्लस 1/3 रो पी एफ, एफ इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, रो पी ये क्वेश्चन मिलेगी। तो हमें जो है ये चाहिए था, मान लीजिए पॉइंट पी है सरफेस ए बी सी पर, पॉइंट पी है तो हमें एक्चुअली पॉइंट पी पर जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं,
किसी पॉइंट पे होता है, एक सरफेस ले लेते हैं उसके सराउंडिंग, उस पर जो फोर्स लगता है डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस, दैट इज द स्ट्रेस, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे स्ट्रेस नहीं होता है, पॉइंट पे स्ट्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पॉइंट पे सिंक करते हैं। कैसे? ये जो सरफेस है ए बी सी, इसको इसी के पैरेलल सरफेस के से होते हुए इसको अप्रोच कराते हैं ओ पे, यानी कि जो ओ से इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ए बी सी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया जिसकी लेंथ पी कही हुई है, उस पी को जीरो अप्रोच कराते हैं, यानी जो लेंथ है वो जीरो अप्रोच करेगी, और जीरो अप्रोच करेगी तो इस तरीके से कि ये जो प्लेन है ए बी सी ये ओ पे चला जाएगा, ये ओ पे लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे? ये अगर प्लेन है तो ये ओ पे जाएगा, लेकिन जाते वक्त ये अप ये इसके इसका जो डायमेंशन और डायरेक्शन जो है वो बदलने नहीं पाएगा, यानी इस पर जो नॉर्मल की डायरेक्शन एन है तो एन ही बनी रहेगी, यानी अपने पैरेलल प्लेन से होता हुआ ये ओ को चला जाएगा। इस तरीके से पी जीरो पे अप्रोच करेगा, तो हमें ये प्लेन ए बी सी ओ पे ले जाना है। तो सपोजिंग दैट द प्लेन ए बी सी अप्रोचेस टू ओ, सपोज ए बी सी, सपोज प्लेन ए बी सी अप्रोच टू टू पॉइंट ओ मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ, मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ, मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने पैरेलल बना रहेगा और ओ को अप्रोच करेगा, सो दैट पी टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा एस टेंड टू जीरो। क्योंकि हमें पॉइंट पी पे ही, एक सिंगल पॉइंट पे हमको स्ट्रेस चाहिए होता है, तो जो उसका सराउंडिंग एरिया है उसको सिंक करके उसी पॉइंट पे जाते हैं। तो जब ये प्लेन ओ पे अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे सिंक होता जाएगा और पॉइंट ओ पे पहुंच जाएगा, ओ पे पहुंच जाएगा तो वहां पे एरिया भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पे क्या मिलेगा बाय इक्वेशन वन, यहां पे क्या मिलेगा इक्वेशन वन पे, व्हेन दिस टेंड टू जीरो पी टेंड टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बनेगी, सो वी हैव बाय क्वेश्चन वन, इक्वेशन वन से हमें क्या मिलेगा देखिए, बाकी ये जीरो हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो इससे हमको ये मिला कि एक सरफेस जिस पर नॉर्मल एन की डायरेक्शन में है उस पर स्ट्रेस ये होगा
एक्स पी वाई पी जेड क्या है, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पर एक सरफेस है, इस पर एक सरफेस है जिस पर नॉर्मल एम की डायरेक्शन है, और इस पर जो स्ट्रेस है वो मान लीजिए पी एन है। तो इस पॉइंट पर वो प्लेन जिस पर नॉर्मल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस, तीन ओरिएंटेशन के प्लेन ले लीजिए, उन पर स्ट्रेस है मान लीजिए पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी पॉइंट पर वो प्लेन जिस पर नॉर्मल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उस पर स्ट्रेस ये है, जिस पर नॉर्मल वाई एक्सिस के लॉन्ग है ये है, और इसी तरीके से वो प्लेन जिस पर नॉर्मल जेड एक्सिस के लॉन्ग है उस पर स्ट्रेस ये है। तो इन प्लेन पर स्ट्रेस कंपोनेंट के टर्म्स में इस पॉइंट पर किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन का मतलब मान लिया कि ऐसा प्लेन जिस पर नॉर्मल एन के लॉन्ग है, वो स्ट्रेस होगा ये। और एल एम एन क्या है, ये जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनसे जो एंगल बनाएगा ये नॉर्मल उसके जो कोसाइन होंगे वो है। तो अगर किसी पॉइंट पर हमने कोई प्लेन लिया है जिस पर नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, और ये जो है कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर स्ट्रेस है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन पर स्ट्रेस है इस पॉइंट पे, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग जो प्लेन है उस पर स्ट्रेस है। तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा इस पॉइंट पर उस प्लेन पर जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये है, जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन ये है, वो जो स्ट्रेस होगा वो ये होगा। तो अगर किसी पॉइंट पर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो प्लेन है उस पर स्ट्रेस हमें मालूम है, तो उस पॉइंट पर किसी भी प्लेन पर स्ट्रेस हमको मालूम हो जाएगा। और मालूम क्या होना चाहिए, खाली जो प्लेन हम ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, माना वो एल एम एन है तो फिर उस पर स्ट्रेस ये होगा। अब ये जो स्ट्रेस है उनको नौ कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उस तरीके से भी लिखेंगे तो नौ कंपोनेंट्स के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रेस एट ए पॉइंट, सो स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन एनी प्लेन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फोर्स ही तो है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके तीन कंपोनेंट्स आई जे के की डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो वो मान लीजिए ये है, ऐसे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट है, और ये स्ट्रेस किस प्लेन पे है, जिस पर नॉर्मल एन की डायरेक्शन में है, और फोर्स एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं पी एक्स एक्स आई पी एक्स वाई जे पी एक्स जेड के, और इसको भी लिख सकते हैं पी वाई एक्स आई पी वाई वाई जे पी वाई जेड के,
इसको हम अगर कंपोनेंट्स आई जे के कंपोनेंट्स हम कंपेयर करें, कोफिशिएंट्स पर कंपेयर करें, तो हमको ये इस तरीके से मिल जाएगा पी इस एल एक्स एक्स एन वाई एक्स एंड एन जेड एक्स एन वाई इस एल एक्स वाई 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 ये हो गया ना कंपोनेंट, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए ये चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर। तो आप देख रहे हैं कि किसी पॉइंट पर जो स्ट्रेस है, मान लीजिए वो पॉइंट ये सरफेस है और इस पर जो स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं वो ये है, तो इनको इन स्ट्रेस कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जो कि यहां पे पता होने चाहिए। साथ में जिस सरफेस पे आप स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, उस सरफेस पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन को सही यानी उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रेस कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन एनी आर्बिट्री सरफेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नाइन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया।